This week at the box office, it was all about the magic and star power of Shah Rukh Khan. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म जवान की। पठान के बाद ये SRK की नेक्स्ट रिलीज थी और इस फिल्म के प्री रिलीज बस बड़ी कमाल की थी। जवान इज अ टिपिकल एटली फिल्म, लार्जर देन लाइफ एक्शन, लार्जर देन लाइफ डांस सीक्वेंसेस, लार्जर देन लाइफ ड्रामा एंड लार्जर देन लाइफ SRK। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि जवान पूरी की पूरी ही लार्जर देन लाइफ है। Made at a budget of 300 crores, Jawan has managed to collect about 255 crores in its first weekend itself. From the Hindi version alone, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। माना कि जवान थर्सडे को रिलीज हुई थी तो इस फिल्म का वीकेंड 3 के बजाय 4 दिन का था, लेकिन जवान ने हिंदी बेल्ट के साथ साथ तमिल और तेलुगु बेल्ट में भी तहलका मचा रखा है। अगर ये काफी नहीं था तो ओवरसीज भी ये फिल्म जोरों शोरों से चल रही है। In fact, trade analysts are calling Jawan a global blockbuster. Jawan Atlee की पहली हिंदी फिल्म है और SRK के साथ उनका पहला collaboration। पठान के बाद जवान किंग खान की 2023 की दूसरी blockbuster फिल्म साबित हुई है। जवान has loads of action, a fast-paced screenplay, कमाल का background score और बहुत सारा शाहरुख खान। In fact, इस फिल्म में तो दो दो शाहरुख खान हैं। आने वाले हफ्तों में कोई भी मेजर फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। And this will for sure benefit the box office collection of Jawan. So, he starring Shilpa Shetty Kundra and the Great Indian Family starring Vicky Kaushal and Manushi Tiller are set to release on September 22nd. Both these films do not stand a chance against the mighty Jawan. वैसे जवान के ट्रेंड स्टडी करने के बाद सुखी और द ग्रेट इंडियन फैमिली की स्टार कास्ट अपनी अपनी फिल्मों को प्रमोट तो करने में लगी हुई है, लेकिन इन दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पे चलना हमें तो मुश्किल सा लग रहा है। बॉक्स ऑफिस की सारी अपडेट्स लेके हम यूं ही आपके सामने आते रहेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें और हमारे साथ बने रहें। एंड फॉर ऑल द लेटेस्ट हैपनिंग्स इन द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज़ वी एट बॉम्बे ब्लू सेलिब्रेट एंटरटेनमेंट।